तो ये देखो दोस्तों, अपना भाई फ्रैंकलिन बारबेल उठा रहा है और दोस्तों ये भी अपना बॉडी सेट बनाएगा। और ये देखो दोस्तों, हमारे गेम में रेंज रोवर ऐड हो चुका है जिसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे गेम में डिफेंडर कार भी ऐड हो चुका है जो कि देखने में बहुत मस्त लग रहा है। और दोस्तों ये देखो, हमारे गेम में फर्नीचर पॉक्स भी ऐड हो चुका है जिसका चीट कोड क्या है मैं आप सबको बताऊंगा। और हमारे गेम में दो सिंह वाला लाइन भी आ चुका है, बहुत ही बड़ा जिला भी आ चुका है और न्यू लाइन भी आ चुका है, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दो, हमारे गेम में एक नया अपडेट आने वाला है जो कि जिम और जिम इक्विपमेंट रिलेटेड रहेगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे प्लगइन ऐप में भी अपडेट आ चुका है जिसमें न्यू लायन, जिराफ, राइनो और रेंज रोवर आया हुआ है। और बहुत से प्लेयर का चीट कोड लगाने के बाद भी ये सब नहीं आ रहा था। और मैं आपको बताता हूं कि हमारे गेम में ये सब चीज कैसे आएगा। सबसे पहले आपको प्लगइन ऐप में आना होगा और यहां पे आपको यहां नीचे सेलेक्ट करना होगा, आपको जो सा एनिमल कार चाहिए उसके नीचे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको गेम में आ जाना है और अपना मोबाइल निकाल लेना है, हवा पेस्ट का ऑप्शन आएगा तो हवा पेस्ट कर देना है। और दोस्तों पेस्ट करने से पहले अपना मोबाइल चाहे वाईफाई चाहे डाटा से कनेक्ट कर ले। और उसके बाद आपका टाइमिंग शुरू हो जाएगा और दोस्तों टाइमिंग खत्म होते ही आपको गेम को रिस्टार्ट कर लेना है। और दोस्तों मेरा टाइमर खत्म हो चुका है और मैंने भी गेम को रिस्टार्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल निकाल के कोड लगाना होगा, आपने जिस एनिमल को सिलेक्ट किया था आपको उसे कोड लगाना है। ऐसे करके आप रेंज रोवर, लायन, राइनो स्पॉन करा सकते हैं। और एक और गाड़ी हमारे गेम में ऐड हो चुका है दोस्तों जिसका हमारे गेम में बहुत डिमांड था, और दोस्तों यही है वो डिफेंडर कार। आप लोग खुद देख सकते हैं ये कार कितना अच्छा है देखने में और इसका व्हाइट कलर इसे बहुत ही अच्छा बनाता है। और दोस्तों हम इसे कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं एलो में कितना अच्छा लग रहा है। और दोस्तों मैं आपको फर्नीचर प्लस का चीट कोड बताता हूँ, आप जब आईसी टूल में जाके F1 क्लिक करेंगे तो आपके सामने बड़ा सा बेड आ जाएगा। और दोस्तों आप जब F2 क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा सोफा आ जाएगा और ये छोटा सा सोफा एक आदमी के लिए एकदम सही है। और दोस्तों जब आप आईसी टूल में जाके F3 क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसे थोड़ा बड़ा सोफा आ जाएगा। और दोस्तों ये वाले सोफे में दो आदमी का जगह दिया है, दो आदमी इसे आराम से बैठ सकते हैं। और दोस्तों जब आप फिर आरसी टूल में जाके F4 क्लिक करेंगे तो आपके सामने ग्रीन कलर का सोफा आ जाएगा और दोस्तों दो आदमी से आराम से आ सकते हैं। और दोस्तों ऐसे करके आप जब क्लिक करेंगे F5 तो आपके सामने एक थोड़ा सा कबोर्ड आ जाएगा। और दोस्तों फिर आप आरसी टूल में जाके F6 क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा बड़ा कबोर्ड मिल जाएगा। और दोस्तों ऐसे करके F7 क्लिक करेंगे तो आपके सामने डस्टबिन आ जाएगा, आप इसे चेयर की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप जब ऐसे करके आप F8 क्लिक करेंगे अपने आरसी टूल में तो आपके सामने एक लाल कलर का लैंप आ जाएगा। और दोस्तों ये लैंप आपको बहुत काम आएगा, आप जब डेकोरेशन करेंगे घर बनाएंगे तो आपको ये काम आने वाला है। और आप ऐसे करके F9 क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लू कलर का लैंप आ जाएगा। और दोस्तों ऐसे करके जब आप F10 क्लिक करेंगे तो आपके सामने छोटा सा टेबल आ जाएगा। और दोस्तों ऐसे करके आप F11 क्लिक करेंगे तो आपके सामने TV आ जाएगा। और दोस्तों अभी तक तो फर्नीचर प्रॉप में सिर्फ यही चीजें आई हुई हैं जिसका आप अपने गेम में इस्तेमाल कर सकते हो और अपना खुद का गेम बना सकते हो। अब मैं दोस्तों आने वाले अपडेट के बारे में बताता हूँ जो कि जिम रिलेटेड रहने वाला है, जिसमें जिम का सारा इक्विपमेंट का प्रॉप्स हमें मिलने वाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे गेम में बहुत सारे इक्विपमेंट है और यही सब इक्विपमेंट हमारे गेम में आने वाला है। और जैसे दोस्तों हमारे फर्नीचर प्रॉप्स का चीट कोड F1, F2, F3, F4 ऐसे करके था, वैसे करके हमारे जिम के प्रॉप G1, G2, G3, G4 होने वाला है। उसके लिए आप सभी को डिमांड बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो मैं आपको बता दूं। अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।